हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और एक से लेकर के 15 मई 2022 की डाउन टू अर्थ मैगजीन आप लोगों के सामने है। इसका जो कवर टॉपिक लिया गया है वो है सीड मनी। बेसिकली पूरे अफ्रीका के अंदर जो सीड है, जो बीज होते हैं, उनको रेगुलेट करने की बात यहाँ पर चल रही है। तो इसको थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि ये इंडिया का इशू नहीं है, इवन एशिया का भी इशू नहीं है, ये अफ्रीका का इशू है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। लगभग 15 पेज इससे रिलेटेड दिए गए हैं। हम सिर्फ 2 या 3 स्लाइडों में इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी के आर्टिकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको यहाँ पर देखेंगे, हिंदी भाषा में इसको देखेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले ये सब कर दीजिएगा। और पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, US है या फिर और भी सरकारें हैं, सब कह रही थी कि भाई क्लाइमेट चेंज है, नेट ज़ीरो यहाँ पर होना है, ठीक है, और 2050 तक, इंडिया ने कहा 2070 तक होना है। इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ भी नहीं है, फिर भी हमने ये सब कहा, ठीक है। तो US की यहाँ पर ख़ास बात हो रही है। US ने कहा था कि हम नेट ज़ीरो होने की कोशिश करेंगे, हम अपने जो कोल इमिशंस हैं उनको कम करेंगे, कोल का एक्सट्रैक्शन है कम करेंगे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को नहीं बंद करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि US गोज़ बैक टू ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, तो इसने फिर से ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, ओके, रीजंस बहुत ही सिंपल हैं, सिंपल सी बात है। ये आप देखो कि जो आपके इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्टिंग वगैरह आसान नहीं होगी। साथ ही साथ अभी चैलेंजेस रह गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के एडॉप्शन में। उसके अलावा सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस समय जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा, वो है आपका रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चैन डिसरप्ट हो गई है, ऑयल, गैस, कोल, सभी चीज़ों की, ओके। तो अब ये डिसीजन लिया गया है कि भाई हम जो है वो रिज्यूम करेंगे कोल के, मतलब कार्बन एक्सट्रैक्शन को चालू रखेंगे, और जो ऑयल गैस ड्रिलिंग वगैरह होनी थी वो सब अब शुरू रहेगी, ओके। सरकार ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि भाई ये सब चीज़ें करती रहने दो, ओके। लेकिन इन्होंने एक डिसीज़न यहाँ पर और भी लिया। बेसिकली ये लोग क्या करने वाले थे कि 3 लाख हेक्टेयर की कंसिड्रेशन थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 58,000 को अलाउ किया है, तो लगभग 1/6 एरिया ही अलाउ किया है। ये भी अच्छी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। बट वही फिर एनवायरमेंटलिस्ट सामने आए, कहा भाई ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओके। आपने कहा था कि इस चीज़ को एंड करोगे, तो ये चीज़ें एंड होनी चाहिए थी। तो यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। इंडिया में भी सेम सिचुएशन है, हम भी कोल को फेज़ आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ओके। और भी चैलेंजेस हैं इसके अलावा, ये वॉर के कारण जो प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं, रुपये का डिवेल्यूएशन भी देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो वो सब चीज़ें भी हर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये आर्टिकल आपको बताता है स्क्रैम्बल टू सेव स्पीसीज। देखो, एक मैगजीन आई थी डाउन टू अर्थ की 16 से लेकर के 31 मार्च की, वो मैंने आपको पढ़ाई है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें बेसिकली 6th मास एक्सटिंक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अवेलेबल कराई थी। क्यों हो रहा है? एंथ्रोपोसिन के कारण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो यहाँ पर एक्सटिंक्शन रेट हो रहा है, तो उससे स्पीसीज़ को सेव करने के लिए कुछ मुहिम जो है वो पूरी दुनिया में शुरू हुई है। एक लाइन का पॉइंट है, इक्वाडोर जो है वो पहली कंट्री बना पूरी दुनिया का जिसने जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। याद रखना इस चीज़ को, कौन? इक्वाडोर यहाँ पर पहला कंट्री बना जिसने लीगल राइट प्रोवाइड करे हैं इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स को। मतलब अगर आप कोई भी वाइल्ड एनिमल है, लाइक वूली मंकी है, अगर आप उसके लिए उसको हंट करते हो, उसको कैप्चर करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रैफिकिंग करते हो या उसको डोमेस्टिकेट करते हो, तो आपको सज़ा हो सकती है। इल्लीगल डिटेंशन का प्रोविज़न यहाँ पर आपको मिलेगा, ओके। तो आप किसी भी वाइल्ड स्पीसीज़ का, वाइल्ड एनिमल का इस तरीके से जो हंटिंग है, कैप्चरिंग है, डोमेस्टिकेशन है, ये नहीं कर सकते। ये अब इक्वाडोर में लीगल यहाँ पर कर दिया गया है, ओके। तो ये स्पीसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए कदम यहाँ पर उठाया गया। ऐसे ही न्यूजीलैंड ने भी कहा है कि हम एक बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, अभी हुई नहीं है। ऐसे ही और भी काम यहाँ पर चल रहे हैं। कनाडा के अंदर में भी आप देखोगे तो कुछ ज्यूरिसडिक्शनल डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहे हैं, स्पेशली जो आपका कैरीबाउ यहाँ पर है, ओके, ये एक तरीके की स्पीसीज़ ही है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर आपको रेन डियर की स्पीसीज़ मिलेगी, ठीक है। ये रेन डियर की स्पीसीज़ कनाडा में यहाँ पर पाई जाती है। इसके हैबिटेट को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं, बट आपको जस्ट इतना याद रखना है कि समथिंग कॉल्ड कैरीबाउ इज़ प्रेजेंट, ओके। तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगला जो आर्टिकल यहाँ पर है वो आपको बताता है ओल्ड न्यू हजार्ड ग्रोइंग्स। मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, 4 कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा, इनको सीड कंट्रीज़ भी कहते हैं।
सीड यानी सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। ओके, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो SEED के नाम से। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ड्रोट की कंडीशन देखने के लिए मिली और स्टारवेशन जैसी सिचुएशंस आ गई हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली केन्या, सोमालिया, इथोपिया हैं, वहाँ पर जो बारिश है वो यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ड्रोट जैसी कंडीशंस यहाँ पर बन गई हैं। पहले से ही ये कंडीशंस बनी हुई हैं, इसके अलावा ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई बाय रीजनल कन्फ्लिक्ट, जो कि किसी न किसी इशू को लेकर के हर कंट्री के बीच में यहाँ पर है अफ्रीका के अंदर। पॉवर्टी, ठीक है, लोकस्ट इन्वेजन भी देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ फूड प्राइस के जो फूड इन्फ्लेशन बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, इन सब से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट यहाँ पर हो गई है। ओके, साउथ अफ्रीका के अंदर साइक्लोन आया जिसकी वजह से हैवी फ्लड्स आई, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मरे। ओके, स्टॉर्म जैसी सिचुएशंस वहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज अलग ही यहाँ पर मार जो है वो अफ्रीका के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। एक्सट्रीम रेनफॉल, इरेटिक पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं, फ्लड्स यहाँ पर आ रही हैं। तो सारी सिचुएशंस आपको अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी वजह से हर एक चीज़, यानी कि वाटर इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, ड्रॉट, हर एक सिचुएशन, नेचुरल डिज़ास्टर, सारे के सारे यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और कोई कंट्री यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है, इवन कोस्टल कंट्रीज़ भी अलग अलग सिचुएशन से यहाँ पर जूझ रहे हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर जानने ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला आर्टिकल यहाँ पर देखें, तो ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया गया है। इसमें चार कंट्रीज़ यहाँ पर है, सीड कंट्रीज़ जिनको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो एक आपकी आ गई यहाँ पर सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। ये चारों कंट्रीज़ के नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा, चार ही कंट्रीज़ होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कुछ इमेजेस आपको केन्या और सूडान वगैरह भी दिखाते हैं, इनको इग्नोर करना है, ये चार कंट्रीज़ आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद इंडिया में क्या हुआ उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर 12 घंटे के पीरियड के अंदर लगभग 117 फॉरेस्ट फायर की कंडीशंस देखने के लिए यहाँ पर मिली। इसमें से जो 32 थी वो आपकी गढ़वाल रीजन में मिली, 75 कुमायूं रीजन में, 10 आपकी आइडेंटिफाइड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में देखने के लिए मिली, और लगभग 500,000 से ज़्यादा का नुकसान भी यहाँ पर हुआ। तो बात ये नहीं है कि कितने कितने कहाँ पर मिले, बात यह है कि सिर्फ 12 घंटे के पीरियड में आपको 117 फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इतना पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है फॉरेस्ट फायर्स की, वो लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड के अंदर भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है रांची झारखंड में। ओके, वहाँ पर जो आपकी जू फोक्स थी, लगभग 7 जू फोक्स थी, वो सातों की सातों यहाँ पर डेथ उनकी यहाँ पर हो गई, मतलब मर गई। ओके, और ये जो इसकी मरने का कोज था वो था आपका कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। याद रखना, दिस इज़ अ नेचुरल ओकरिंग डिजीज़, और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्पेशली जो आपके ये एनिमल्स हैं इनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी यहाँ पर अफेक्ट करती है, स्पेशली कैनाइन के अंदर। ओके, लेपर्ड वगैरह हो सकते हैं उनके अंदर में भी। फोक्सेज जो हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में भी इनको संभाल करके रखा गया है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में, तो ये कोज होता है आपका पैरामाइक्सो वायरस के कारण। ओके, और स्प्रेड होता है बॉडी फ्लूड के द्वारा, लाइक इन्फेक्टेड यूरिन हो, ब्लड हो, सलाइवा हो, इसके कारण ये स्प्रेड होता है। और वायरस जो अटैक करता है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, डॉग्स का भी अफेक्ट होता है, साथ ही साथ जो आपके कैनाइंस हैं लाइक लायन है, ओके, टाइगर है, लेपर्ड है, फॉक्सेस हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, उन सभी में ये चीज़ अफेक्ट यहाँ पर करती है। वायरस जो है वो वाइल्ड फॉक्सेस में भी पाया जाता है, वुल्व्स हैं, रकून्स हैं, इन सभी में भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें तो अलग अलग तरीके के तमिलनाडु में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो फार्मर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में यहाँ पर चलते रहते हैं, तो अभी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसको देखते रहेंगे बाद में। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बिहार। बिहार के अंदर एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम AES के केसेस जो है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। ओके, पूरे इंडिया में बेसिकली यूपी, और अगर हम बात करें बिहार की, तो वहाँ पर जो आपकी एंसेफलाइटिस है जैपनीज हो सकती है या फिर आपकी एक्यूट हो सकती है, तो इन दोनों के केसेस जो हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। तो दो टर्म हैं, ये दोनों को याद रखिएगा, एक है आपकी जैपनीज
एनसेफेलाइटिस और एक है आपकी एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ओके, तो इन दोनों के केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, हाई फीवर इसके अंदर में आपको यहाँ पर आता है और लगभग 15 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर करता है। बिहार में पहले भी 2018 में केसेस देखने के लिए मिले हैं। ओके, और इसमें आप देखो कि ये वायरस से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस, पैरासाइट और केमिकल टॉक्सिन्स के द्वारा भी हो सकता है। तो इसके जो एजेंट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, सिंपल कोई एक एजेंट यहाँ पर नहीं है, कई सारे एजेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कॉमन है इंडिया के अंदर। ओके, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर चिली नाम की कंट्री है, चिली ने अनाउंस किया है जो वाटर है उसकी रेशनिंग यहाँ पर की जाएगी। ओके, मतलब वाटर की जो शॉर्टेज यहाँ पर हो गई है जिसकी वजह से वाटर को अवेलेबल कराने की बात यहाँ पर चल रही है, तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। ओके, डेनमार्क के अंदर ये देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल आता है, डेनमार्क जो है वो फर्स्ट कंट्री यहाँ पर बन गया है इन द वर्ल्ड जिसने इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेट लेवल फॉर फूड प्रोडक्ट। हम इंडिया में जो स्टार रेटिंग लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और यहाँ जो डेनमार्क है उसने यहाँ पर क्लाइमेट लेवल भी ऐड कर दिए हैं फूड प्रोडक्ट पर। आपको फूड के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा कि वो क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक से मिलकर के बना है, वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके के जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ किया गया है, मतलब ऐसे केमिकल्स जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनका यूज़ किया गया है या ऐसे केमिकल्स जो कि सस्टेनेबल हैं उनका यूज़ किया गया, केमिकल सस्टेनेबल नहीं है बेसिकली। ओके, बट ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उनका यूज़ किया गया या नहीं किया गया, तो ऐसे सब जो फूड लेवल्स हैं वो आपके यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। तो डेनमार्क ऐसा पहला कंट्री बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। उसके बाद अभी कुछ समय पहले एक सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था जिसका नाम था ओरका सिस्टम। ये बेसिकली जो आपका 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से हर साल रिमूव करने के लिए यहाँ पर लगाया गया था और आइसलैंड के अंदर इसको स्टेशन किया गया था, और अब पता चला है कि कोल्ड वेदर में ये जो है वो वर्क नहीं कर रहा, इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली स्टॉप हो गई। ओके, कोल्ड सिस्टम के दौरान तो ये कुछ चैलेंजेस निकल करके आए जो कि आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कार्बन रिमूवल मशीन यहाँ पर आपने लगाई उसमें कमियाँ देखने के लिए मिली कि वो विंटर सीजन में वर्क नहीं कर रही है, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो फ्रोज हो जा रहे हैं और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब काम आगे किया जाएगा। ओके, उसके बाद ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स देखने के लिए मिले फिलीपींस में, ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। ओके, कंट्री ने नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट काउंसिल वगैरह के जरिए काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट किया, इंडिया में कोई डिजास्टर वगैरह आए तब देखते हैं कि क्या होता है। ऐसी और न्यूज़ देख सकते हो अप्रैल 2022 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में भी बताया है, जो आपका एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है उसके बारे में भी डिटेल में कवर कराया है। ऐसे ही और भी 70 टॉपिक्स इसके अंदर में यहाँ पर कवर हैं, तो उनको देख सकते हो, ये सब भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे या टेलीग्राम चैनल पर भी इसके लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर मिलेगा वन स्टेप टू फार। अब देखो हुआ क्या है, हुआ यह है कि मद्रास के हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर कैटल ग्रेजिंग नहीं होगी। ओके, पूरी तरीके से बैन कर दी कैटल ग्रेजिंग को, और अब ये तो इन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है, इससे आपके फॉरेस्ट सेव हो जाएंगे, लेकिन इसके जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको यहाँ पर इग्नोर कर दिया। निगेटिव एस्पेक्ट क्या होगी, इससे जो आपकी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं जो कि बेसिकली लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट हैं और लाइव स्टॉक जो हैं वो ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इनडायरेक्टली जो आपकी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं वो आपकी जो ग्रे बेसिकली पास्चर लैंड है या फिर ग्रेजिंग है उस पर डिपेंडेंट है, अब उनकी जो लाइफ है वो इम्पैक्ट होगी क्योंकि सरकार ने इसको बैन कर दिया है, अब वो अपने कैटल्स को ग्रेज करने के लिए कहाँ पर लेकर जाएंगे, तो ये जो इशू है वो निकल करके आया। अब देखो मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, भाई ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है, ये जो काम मद्रास हाई कोर्ट ने किया है दिस इज़ नॉट अ वे। ओके, क्यों, क्योंकि ये तो काम आप 10 साल पहले भी कर सकते थे, भाई बैनिंग एक सोल्यूशन नहीं है, आपने एक एस्पेक्ट को देखा और काम कर दिया लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आपने मिस कर दिया, ये तो कोई भी कर सकता था, ये तो अगर वो जज ना हो तो भी आप सिंपल ये काम कर सकते हैं कि भाई बैन कर दो, बात खत्म हो गई। ओके, तो जज होने का जो फ़ायदा होना चाहिए वो है आपका बैलेंसिंग जजमेंट, और वो आपने यहाँ पर जो है वो नहीं दिया। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के जो राइट्स हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में इनके राइट्स साफ साफ लिखे हुए हैं कि इनको ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल कराई जाएगी, जो पास्चुरल कम्युनिटीज़ हैं उनके अलग राइट यहाँ पर होंगे जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में कवर किए गए हैं 2006 के, उनको आपने इग्नोर कर दिया, तो कैसा जजमेंट आपने यहाँ पर दिया, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, पूरी स्टोरी मैंने आपको क्लियर कर दी, अब यहाँ तो जो लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर करो, बस इतना समझो कि
जो यहाँ पर आप देखोगे कि बैनिंग की बात चल रही थी, लगभग 22,877 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को बैन कर दिया था 4 मार्च को, ये बैन किया था ओके इतने एरिया को। लेकिन उसके बाद जब प्रोटेस्ट वगैरह हुए तो आपने यहाँ पर क्या किया कि इसके जो बैन है उसको सिर्फ 8,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहने दिया, यानी कि बाकी का जो एरिया है उसको आपने रिमूव कर दिया ओके। तो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर सहूलियत दी गई, लगभग एक तिहाई एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड कर दिया गया, वहाँ पर कैटल ग्रेजिंग नहीं होगी, लेकिन 2 तिहाई एरिया जो है वो ओपन भी किया गया। ये भी कोई तरीका नहीं है, अच्छी पॉलिसीज इस तरीके से यहाँ पर नहीं बनती कि आपने पहले बैन किया फिर जब प्रोटेस्ट वगैरह हुए तो आपने 2/3 एरिया खोल दिया, ये कोई तरीका नहीं है। मैं अभी तरीके बताऊंगा कि क्या करना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। तो इन्होंने ये सब जो कुछ भी डिसीजन लिए इतने महीनों में, ये सब जो लिए ये सब तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट 1888 को देखते हुए लिए। अब ये जो है वो कॉलोनियल टाइम का जो है वो आपका एक्ट है ओके। इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो इस तरीके हैं के हैं जो कि ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए थे, और आपने इस एक्ट का यूज़ यहाँ पर किया जबकि आपको यूज़ करना चाहिए था नेशनल लेवल एक्ट का, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। आपने उस एक्ट का यूज़ ना करके इस कॉलोनियल एक्ट दैट इज़ तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट का यूज़ किया, ये आपने अच्छा नहीं किया ओके। तो 2-3 परेशानियाँ यहाँ पर मैंने आपको बताई ये रहती हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टेट के अंदर बहुत सारी कैटल ब्रीड्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मलाई मुडू है, मलाई मडू है ओके, पुली कुलम है, ये सब नाम है ठीक है। ये सब पूछे जा सकते हैं कि दिस मलाई मडू एंड पुली कुलम, अभी ये सब न्यूज़ में थे, ये सब क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बार बार न्यूज़ के अंदर आया क्योंकि मैक्सिमम कम्युनिटी इसकी और इसकी यहाँ पर है ठीक है। तो कैटल ब्रीड है, ऐसी बोफेलो की ब्रीड मिलेंगी लाइक टोडा है या फिर बर्गुर है, ऐसी शीप की जो आपकी बेसिकली कम्युनिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी ओके। ऐसे गोट हैं वो सब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइक कन्नी गोट है, कोड़ा गोट है, सलीम ब्लैक गोट है, तो ये सब कुछ आपको स्पीसीज मिलेंगी जो कि कैटल की ब्रीड्स हैं, और ये सब आप समझो कि किसी ना किसी तरीके से ग्रेजिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है। तो पास्चुरलिस्ट जो हैं, जो भी ग्रेजिंग वगैरह कराते हैं कैटल्स के लिए, वो बेसिकली पुलिकुलम ब्रीड को ठीक है मदुरई में स्पेशली ये रीज़न वाइज डिवाइड किया है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर यहाँ पर रहती है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट देर इज़ समथिंग कोल्ड पुलिकुलम ब्रीड, देर इज़ समथिंग कोल्ड मलाई मडू कैटल ब्रीड ओके। ये भी आपकी इस थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी एग्जिस्ट यहाँ पर करती है, और ये दोनों की दोनों जो ब्रीड हैं पुलिकुलम और मलाई मडू, ये दोनों की दोनों, इनको डिजीज़ नहीं होती है, हाईली रेजिस्टेंस है डिजीज़ के लिए, और साथ ही साथ एरिड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो आपके पुलिकुलम बुल्स हैं वो जलीकट्टू के दौरान भी यूज़ किए जाते हैं, जो फेस्टिवल यहाँ पर है ओके उसमें यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखो, एक तो इम्पोर्टेंस ये हो गया, इतने सारे ब्रीड हैं, इनसे फ़ायदा मिलता है, लाइवलीहुड है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी यहाँ पर बन जाते हैं क्योंकि इनका डंग यहाँ पर बेचा जाता है, एनिमल्स है, पैनिंग द कैटल है ओके। ये सब जो हैं इनकी डिमांड भी काफ़ी हाई है डंग वगैरह की केरल वगैरह में, तो वहाँ पर ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं ओके। तो इससे इनको फ़ायदा भी यहाँ पर होता है, बेसिकली पूरा का पूरा जो रिवेन्यू है वो इनका इसी चीज़ पर टिका हुआ है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का ओके। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो डिसीज़न है वो गलत लिया गया। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो यही बात की गई है कि आपको जो है वो एक्ट यूज़ करना चाहिए था, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसको इंसोर्ट कहते हैं FRA 2006, और आपको नहीं यूज़ करना चाहिए था तमिलनाडु फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये कॉलोनियल एरा का लॉ है, ये इसके प्रोविजंस पुराने हो गए हैं, आपको इसको यूज़ नहीं करना था, कम्युनिटीज़ के राइट को देखते हुए आपको इसको यूज़ करना था, तो आपने गलत किया ठीक है, आपने गलत किया, आपने 1/3 जो ज़मीन है वो अभी भी रहने दी, ठीक करा, चलो 2/3 आपने छोड़ दी, किस लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ इसीलिए ओके। तो ये सब तरीके सही नहीं हैं, तो आपको करना क्या चाहिए था, देखो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं सस्टेनेबल ग्रेजिंग को बढ़ावा देने के लिए, ये स्लाइड दी नहीं गई थी कहीं पर भी, ये खुद से बनानी पड़ी। यहाँ पर कई तरीके हैं, लाइक आप कंट्रोल्ड कंटिन्यूस ग्रेजिंग प्रैक्टिस अपना सकते हो, दीज आर सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस ओके। इंडिया की अपनी एक नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी भी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी डिफर्ड ग्रेजिंग, उसके बाद रोटेशनल ग्रेजिंग, उसके बाद डिफर्ड रोटेशनल, उसके बाद आपकी यहाँ जाती है होने हाई सिस्टम है, ज़ीरो ग्रेजिंग या कट एंड कैरी सिस्टम है, इन सब के अपने अपने महत्व यहाँ पर हैं। आप देखो जैसे कि डिफर्ड ग्रेजिंग है, इसके अंदर हम क्या है कि जो ग्रेजिंग एरिया यहाँ पर है उसको डिवाइड कर देते हैं कंपार्टमेंट में से ओके, और सिर्फ एक को ही यहाँ पर ओपन किया जाता है ओके, कि उस पर आप यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू रखो अपना जो सिस्टम है, मतलब ग्रेजिंग वगैरह उस एरिया पर ही कंटिन्यू रखो, बाकी के जगह पर कंटिन्यूएशन नहीं रहेगी। जब वो एरिया पूरा खाली हो जाएगा तब हम दूसरा ओपन करेंगे ओके, और पहले को
जो फर्स्ट कंपार्टमेंट यहाँ पर था उसको हम यहाँ पर रिवाइव होने के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो ग्रेजिंग जो है वो इस तरीके से रिवाइव हो रहने लगेगी, उसका रीजनरेशन यहाँ पर होगा और इस तरीके से ग्रेजिंग जो है वो हर सीज़न में इंडिया में हो सकेगी और कहीं पर भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम हैं। रोटेशनल ग्रेजिंग में भी है, यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रेजिंग नहीं की जाती, रोटेशनल सिस्टम में यहाँ पर ग्रेजिंग की जाती है। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ज़ीरो ग्रेजिंग है या फिर कट एंड कैरी सिस्टम है, इसका भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तकनीकें आपको बढ़ावा देनी चाहिए थी, आप कहते भाई अपने जजमेंट में कि इन तकनीकों का यूज़ बढ़ाइए, तब जा कर के यहाँ पर वर्क होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं और आगे आपको मिलेगा व्हीट फील्ड्स मार्च हीट। तो मार्च के महीने के दौरान काफ़ी भारी मात्रा में हीट वेव्स यहाँ पर चली इंडिया के अंदर और जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से तो नहीं, बट उसमें जो कमी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। मार्च एंड अप्रैल में जो व्हीट की यील्ड है वो रिड्यूस हो गई अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में सिचुएशन देखने के लिए मिली। तो कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सी चीज़ें हैं। लानीना की कंडीशन बनी हुई थी जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, लानीना की कंडीशन लगभग पिछले 3 सालों से बनी हुई है, 2020, 21 और 22, तीनों सालों में लानीना जैसी कंडीशन बनी हुई है। लानीना जो है वो अलनीनो सदर्न ऑसिलेशन का कोल्ड फेज़ यहाँ पर है, जिसकी वजह से इंडिया को बेनिफिट होना चाहिए था, लेकिन अब इंडिया को लानीना से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और इसकी वजह से जो इंडिया के ऊपर है वो आपका नॉर्थ साउथ प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हीट वेव्स जो हैं वो क्रिएट होनी शुरू हो गई। ये सब कैसे हुआ अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट आप समझो कि इसके कारण जो हीट वेव्स है वो मार्च अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ने काफ़ी भारी मात्रा में लॉस को यहाँ पर झेला है। अब अलग अलग किसान के बारे में बताया गया है कि उसने क्या झेला, इतना डिटेल में नहीं जाना। अब ये सब सिचुएशन भी यहाँ पर हैं कि भीट के लिए अपना कूल या मॉइस्ट कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है और एक ओके ग्रोइंग पीरियड के दौरान ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है भीट के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रॉप जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल वगैरह में हार्वेस्ट कर ली जाती है, ग्रेन जो है वो फरवरी मार्च में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या मिला है कि समर का बहुत जल्दी यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, मार्च में जून जैसी कंडीशन देखने के लिए मिली, टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँच गया जबकि चाहिए था 20 से 25 डिग्री, तो ये टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी देखने के लिए मिली वीट के लिए नुकसान यहाँ पर हो गया। ओके, मंथ जो है वो वार्मेस्ट था, लगभग पिछले 122 सालों में ऐसा वार्मेस्ट मंथ हमें देखने के लिए नहीं मिला और साथ ही साथ जो मंथ में बारिश यहाँ पर हुई थर्ड लोएस्ट रेनफॉल देखने के लिए मिली 1901 से लेकर के, तो पिछले 122 सालों में तीसरा सबसे कम बारिश वाला महीना ये यहाँ पर उभर करके आया। तो व्हीट के जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर आपके कम हुए, सरकार ने भी एस्टिमेट्स में अपने कम कर दिया है कि व्हीट का जो एस्टिमेट है वो हम यहाँ पर कम कर देते हैं, इतना ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन इस बार नहीं हो पाएगा। तो इंडिया जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का चाइना के बाद, चाइना टॉप पर है, रशिया तीसरे नंबर पर आता है, यूक्रेन 8वें नंबर पर था, 8वें नंबर पर, और ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है इसकी वजह से भी सप्लाई डिसरप्शन यहाँ पर हुआ है। मार्च अप्रैल जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट रह गया 122 साल के अंदर और जिससे जो है वो यील्ड लगभग 6% तक कम देखने के लिए मिलेगी और 20% जो ग्रेन्स हैं वो डिसरप्ट भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में क्रॉप यील्ड्स गिरने के चांसेस यहाँ पर हैं। पंजाब ने कहा है 5 से 10% कम प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपको जियोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल मिलेगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है लॉस्ट आर्काइव्स के बारे में। इंडिया के पास अपनी कई सारी जियोलॉजिकल क्रिटिकल साइट्स हैं, स्पेशली हिमालयन रीजन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पर अभी स्टडी होनी बाकी है। ओके, ऐसे सभी एरियाज जहाँ पर स्टडी हो सकती है, लाइक हिमालयाज हैं, हिमालयाज की पूरी बायोडाइवर्सिटी को हम नहीं जानते अभी, उसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ होनी है। साथ ही साथ आप देखो कि हिमालय जो है वो बिल्कुल एकदम नवीन है, एकदम नया है, ओके न्यू है, तो उसके अंदर जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में भी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है। वहाँ पर टेथिसी वगैरह थे, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक के कारण सब जो है वो राइज यहाँ पर हुआ जिसकी वजह से ये बना। ओके, हिमालय यहाँ पर बनने शुरू हुए और लगातार यहाँ पर अभी बन भी रहे हैं, तो इसके अंदर जो फॉसिल यहाँ पर हमें मिलेंगे ओके उनके बारे में जानकारी अभी हमें नहीं मिली है, तो हमें इसके ऊपर और ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी करनी थी। तो ये जो पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है ये एक इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकली क्रिटिकल साइट है और यहाँ पर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिलने बाकी हैं। तो लेकिन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के कारण जो ये रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आपने रोड बना दी, आपने टनल बना दी, तो वहाँ का एरिया पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया। वहाँ से हमें पास्ट क्लाइमेट के एविडेंस तो मिलते ही मिलते, साथ ही साथ फ्लोरा एंड फोनल एविडेंस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते मॉनसूनल प्रिडिक्शन के लिए, सीस्मिक एक्टिविटीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए और वहाँ पर क्या हुआ था उस चीज़ को भी प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके,
तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि किस तरीके से सिचुएशंस आगे बढ़ी। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट क्रिटिकल साइट्स हिमालयन हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, और लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं टेरेस फार्मिंग वगैरह के ज़रिए। जो वैली है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, स्पेशली कश्मीर वैली, ओके, ये पूरी तरीके से ख़राब हो गई है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेटलमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, फॉसिल जो हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं, क्रिटिकल साइट्स यहाँ पर ख़त्म होती चली जा रही हैं, ठीक है। और ये जो रॉक्स वगैरह हैं यहाँ पर, ये आपको ये बता सकती थी कि ये हिमालयन रेंज किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ, लेकिन अभी जो है सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो और पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, लाइक वैली के अंदर आपको ऐसे स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपकी मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि MBT लगभग 2400 किलोमीटर की बेल्ट है हिमालयन रेंज में, उसके बारे में हमें और जानकारी यहाँ पर मिलती। और ये जो बेल्ट है वो आपकी पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान से होकर के गुजर रही है, जिससे फॉर्मेशन जो हिमालय का है वो लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो क्रश हो रही है यूरेशियन प्लेट में, जिसके कारण इसका एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। लेकिन ये जो आपकी मेन बाउंड्री थ्रस्ट है MBT है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 10 मिलियन साल पुरानी है, और अभी भी प्रोसेस यहाँ पर जो है वो कुछ हद तक चल रही है। ये फीचर कहीं और नहीं मिल सकते, पूरी दुनिया में यहीं पर ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि ये स्टडी आसानी से नहीं ली जा सकती, और ये स्टडी तभी हो पाएंगी जब इनके लिए पैसा एलोकेट किया जाएगा, स्पेशली बजटरी एलोकेशन, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एक्सपेंसिव यहाँ पर हैं। अब इन्होंने वैली को पॉइंट आउट करते हुए ये भी कहा कि यहाँ पर देखो कि इट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द माइंडलेस कंस्ट्रक्शन। वैली पूरी तरीके से, वैली मतलब पूरे हिमालयन रीजन को हम यहाँ पर कह रहे हैं, जो पार्ट इंडिया में पड़ रहा है उसको आप वैली स्पेशली कह रहे हो, कश्मीर वैली वाला पार्ट यहाँ पर उठाया गया है, ओके। वहाँ पर भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन है, वाइडनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं, ओके। तो इसकी वजह से जो आपके हाईवेज़ वगैरह हैं उनकी वजह से जो आपके डिस्ट्रक्शन है वो पूरा इकोलॉजी का देखने के लिए मिल रहा है, और स्पेशली जियोलॉजी का भी देखने के लिए मिल रहा है डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के कारण। तो बार बार यही पॉइंट है, अब इसमें 10 लाइन और ऐड कर दो सेम तरीके की तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ओके। तो जस्ट इतना यहाँ पर याद रखो, देखो लिखा हुआ है इंडिया के अंदर 53 साइट्स हैं जो कि जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की हैं हिमालयाज़ के अंदर, जो कि सारी की सारी थ्रेट हैं और डैमेज हो रही हैं डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के कारण। आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर आपको ये 53 साइट देखने के लिए मिल जाएंगी। देखनी है ना कौन सी 53 है साइट, तो ये रही वो 53 की 53 साइट। तो आप देख सकते हो कि इन साइट्स में से कहीं से हमें कुछ मिलेगा, कहीं से हमें कुछ मिलेगा, 2-4 पढ़ करके देखते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है, ताकि आपको एक ओवर आइडिया यहाँ पर हो जाए। लाइक कालाकोट रीजन है, वहाँ पर आपको इओसीन एपोसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल सकती थी, वहाँ के फॉसिल्स मिल सकते थे, ओके। ऐसी आपका किश्तवाड़ रीजन है, हिमालय की ओल्डेस्ट रॉक्स के बारे में जानकारी वहाँ से मिल सकती थी। हमें पूगा है, हनले है, उपशी है, वहाँ से हमें होट स्प्रिंग्स के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल सकती थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी अगर हम देखें तो हमें अटुल लार्जी रीजन से प्री टर्शरी टेक्टोनिक्स प्लेट के एविडेंस मिल सकते थे, लेकिन अभी सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, और इसके लिए तुरंत एक्शन लेने यहाँ पर हमें पड़ेंगे। पिन वैली रीजन हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ से पैलियोज़ोइक और ट्राइजिक एरा के कुछ ना कुछ एविडेंस ज़रूर से मिलते। उत्तराखंड के अंदर में भी आप यहाँ पर देखो तो गंगोली हार्ट से आपको केव्स के एविडेंस यहाँ पर मिल सकते थे, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग रीजन से कुछ ना कुछ एविडेंस यहाँ पर मिलते, ओके। बट अभी ये चीज़ें खतरे में यहाँ पर हैं, तो इसको बताया जा रहा है। UPSC मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट ये पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिया तो सफिशियंट है। इंडिया के अंदर लगभग 53 जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हिमालयाज़ के अंदर, और वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाती हैं, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि चिली अंडर अटैक। तो चिली जो है वो मिर्च की खेती यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पर एक नए तरीके के जो वायरस है, डिजीज़ है, वो देखने के लिए यहाँ पर मिली है। इस पेस्ट का नाम है ब्लैक थ्रिप्स, ओके, और इसको दूसरी भाषा में आप यहाँ पर, मतलब साइंटिफिक नेम होगा इसका यहाँ पर, थ्रिप्स पारविस पिनस, ओके। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा याद रखो ब्लैक थ्रिप्स के नाम, ब्लैक थ्रिप्स के नाम से बस सफिशियंट है, ओके। मैं इसको TP कह लेता हूँ, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ा जाएगा, ये बहुत भारी हो जाएगा। तो ये आपका थ्रिप्स हो गया, पारविस पिनस, ओके। तो ये इस तरीके की डिजीज़ है जिसकी पेस्ट है, जिसकी वजह से
जो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं चिली की, लगभग 40 हेक्टेयर डेस्ट्रो यहाँ पर हुई है। स्पेशली तेलंगाना रीजन की बात यहाँ पर की जा रही है। ये नई स्पीसीज़ है ओके थ्रिप्स की, जिसकी वजह से चिली के जो फार्म्स हैं वो डेस्ट्रॉय हो रहे हैं। लगभग 6 स्टेट में असर है, स्पेशली तेलंगाना के अंदर, और फार्मर्स की को सुसाइड भी देखने के लिए मिल रही है। मार्केट में चिली की शॉर्टेज भी देखने के लिए मिल रही है। सिंपल सी बात है, सप्लाई कम होगी तो मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना जो पढ़ा दिया ये भी सफिशियंट था। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हो कि फरवरी और मार्च 2022 के दौरान जो आपकी मंडीज़ वगैरह हैं वहाँ पर जो चिली है वो कम सप्लाई हुई। सिंपल सी बात है, अभी तो बताया कि सप्लाई कम होगी और सप्लाई यहाँ पर कम हुई। अब वो 27,000 टन हुई, 30,000 टन हुई, उससे हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन सप्लाई तो कम हुई मार्च और फरवरी 2022 के दौरान, और हीट वेव्स भी इसके पीछे का एक कारण यहाँ पर बनती हैं। अब ये पूरी टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये टीपी नाम का जो पेस्ट है ये डैमेज करता है चिली की क्रॉप्स को, लगभग 6 स्टेट में फैला हुआ है। 2015 में पहली बार कर्नाटक में यहाँ पर रिपोर्ट हुआ था, 2018-19 में बाकी की जगहों में भी यहाँ पर फैल गया, और 2021 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर भारी मात्रा में तबाही यहाँ पर मचाई है। तो ये जो आपका पेस्ट है ये किस रीज़न में एक्टिव है, तो ये रीज़न यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। ये सारा रीज़न जो है वो इस चीज़ से पूरी तरीके से तबाह है। याद रखना, केरल में इसके इन्फेस्टेशन देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ तक ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने भी पार्लियामेंट में ये कहा कि क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसके पीछे का एक कारण यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये जो आपका पेस्ट है इसका स्प्रेड यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने बताया कि पेस्ट का स्प्रेड जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी एक रीज़न यहाँ पर है। जो हीट वेव्स यहाँ पर बढ़ी या फिर क्लाइमेट जो कंड्यूसिव हो गया इनके लिए, उसके लिए ये सब ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, और लिखा हुआ है हु कंट्रोल सीड कंट्रोल फूड। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, जस्ट एक लाइन का पॉइंट है, उसके ऊपर हमें लगभग 15 पेजेस यहाँ पर दिए गए थे। डैट इज़ नॉट अवर आइडिया, हम इस तरीके से यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। अगर एशिया की खबर होती हम देखते, साउथ एशिया की खबर होती हम देख लेते, इंडिया की खबर होती हम देख लेते, इंडिया के एक्सटेंडेड नाइबर्स की खबर होती तो हम देख लेते। ये एक अलग कॉन्टिनेंट है, इसके अपने इश्यूज़ हैं, उसके बारे में दिया गया है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगली बस 3 स्लाइडों के अंदर पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको कवर कर देंगे। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, बात खत्म हो गई। ओके, हु कंट्रोल सीड कंट्रोल फूड, ये लोग सड़क पर क्यों उतरे हैं, स्पेशली सीड को लेकर के, ओके बीजों को लेकर के क्यों यहाँ पर इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो एशिया, आपका अफ्रीका के अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं, कई सारी कंट्रीज़ अपने अलग अलग इकोनॉमिक ब्लॉक्स भी उनके यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, लाइक वेस्ट अफ्रीका है तो उसका अपना अलग ब्लॉक है, ईस्ट अफ्रीका का अपना एक ब्लॉक है, ओके ये सदर्न रीजन का अपना ब्लॉक है, ओके ये सब इन पर्टिकुलर रीजन्स के लिए यहाँ पर जो है वो वर्क करते रहते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं अफ्रीका के, एक लेजिस्लेशन यहाँ पर जो है वो पूरे अफ्रीका के लिए यहाँ पर लागू हुआ कि हम जो सीड मार्केट है उसको रेगुलेट करेंगे, सीड मार्केट को रेगुलेट करेंगे। ओके, और इन्होंने ये कहा कि पूरे अफ्रीका में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, इस फूड इनसिक्योरिटी को रोकने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए, यानी कि फूड सिक्योरिटी लाने के लिए हमें जो सीड मार्केट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रोनिक हंगर को ख़त्म कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल कर पाएंगे। पूरे अफ्रीका में सारी कंट्रीज़, सारे इकोनॉमिक ब्लॉक इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें इतनी सीधी नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिख रहा है, ठीक है, कि सीड मार्केट को रेगुलेट करेंगे किस लिए, क्रोनिक हंगर को मिटाने के लिए। लेकिन जब आप दूर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो एक तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी लगभग 100% तक इकोनॉमी एग्रीकल्चर से यहाँ पर चल रही है। वो लोग क्या करते हैं, इंडिजीनियस सीड्स को सेव करके रखते हैं, जिसको कहते हैं सीड बैंक का कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पर जो रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उनके द्वारा वो सीड को नहीं स्टोर कर सकते, यानी सीड बैंक के कंसेप्ट को वहाँ पर इग्नोर किया गया। कहा गया कि मार्केट को रेगुलेट करेंगी सरकारें, ठीक है, यानी कि अब लोग जो हैं वो सीड को स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें सीड परचेज करने पड़ेंगे बाज़ार से। ओके, और उसके लिए प्राइस भी चुकाना पड़ेगा, और वो सीड अवेलेबल कौन कराएंगी, तो वो कराएंगे आपकी कॉरपोरेट्स यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसके लिए उनको अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर होगा। तो कहा ये जा रहा है कि आप जो ये सीड मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप क्रोनिक हंगर से छुटकारा पाना चाहते हैं, और आप इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि आप कॉरपोरेट जो सोसाइटीज़ हैं उनको यहाँ पर, सोसाइटीज़ नहीं कह सकते, जो आपकी कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि उनके हाइब्रिड सीड वेराइटीज़ यहाँ पर बढ़ें। ओके,
तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आई। डर यही है कि इससे जो लॉज हैं वो डेस्ट्रॉय करेंगे कॉन्टिनेंट की फूड डाइवर्सिटी को, और साथ ही साथ जो इंडिजीनियस प्रैक्टिस है सीड कंजर्वेशन की, जैसा मैंने बताया आपको सीड बैंक का कंसेप्ट यहाँ पर आता है, वो भी सब खत्म हो जाएगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर तबाह होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरा आइडिया था, ये सेंट्रल आइडिया था, इतना सफिशियंट यहाँ पर है। इसके अलावा $30,000 का फाइन भी रखा गया है, 20 साल की जेल भी है अगर आपने इसके जो एक्ट्स हैं उसको नहीं माना। लाइक अभी अभी मलावी ने, जो कंट्री है उसने सीड एक्ट को यहाँ पर अप्रूव किया है, उसने कहा है कि सीड अनसर्टिफाइड सीड है या फेक सीड है उनकी लिए अगर आपने स्टोरेज वगैरह किया तो $30,000 का फाइन तक और 20 ईयर की इम्प्रिजनमेंट तक यहाँ पर हो सकती है। आप देखो मलावी की जो बेसिकली एग्रीकल्चर है, लगभग 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, उसके अलावा उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर ये सीड एक्ट जो है वो लागू किया, और इससे जो है वो रेगुलेट करेंगे प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, सर्टिफिकेशन को, सेल को, इम्पोर्ट को, एक्सपोर्ट को सीड के, और ये लेजिस्लेशन इस तरीके से लागू किया गया। ये तो सिर्फ मलावी की कंडीशन है, ऐसी ही कंडीशन पूरे अफ्रीका में देखने के लिए मिल रही है। रिसेंट ईयर में मलावियंस के जो फार्मर हैं उन्होंने शिफ्ट देखा सीड सेक्टर के अंदर, और जो इनके बेसिकली फार्मर का सीड सिस्टम था अपना, जिसको सीड बैंक सिस्टम यहाँ पर कहते हैं, उसके अपने फील्ड के सीड यहाँ पर थे, वो सारे के सारे ख़त्म करके अब उनको सीड जो है वो कंपनीज से ख़रीदने पड़ रहे हैं, और वो जो कंपनीज़ के सीड हैं वो हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड हैं, इम्प्रोवाइज सीड हैं, और ना कि फार्मर के अपने खुद के सीड। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल कर के आई। मैंने बताया कि सरकार कह रही है कि हम सीड सेक्टर को रेगुलेट करेंगे, उसको फॉर्मलाइज करेंगे और उसको अच्छे के लिए यूज़ करेंगे, फूड स्केयरसिटी को लाएंगे अफ्रीका, फूड स्केयरसिटी को ख़त्म करेंगे अफ्रीका के अंदर, लेकिन बाद में पता चला है कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर की गई हैं। ओके, तो ये चीज़ें। अब देखो मैंने बताया अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं जो ऐसे रेगुलेशंस लागू कर रही हैं, इसके अलावा कुछ ग्रुप्स भी हैं, उन ग्रुप्स के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर किस तरीके के ग्रुप्स हैं। जैसे एक है आपका अफ्रीकन सीड एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, जो कि एक बेसिकली सीड प्रोग्राम है अफ्रीकन यूनियन का, 2008 में सामने निकल करके आया। फोकस है एस्टेब्लिश करना है इफेक्टिव एंड इफिशियंट सीड सिस्टम को, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी और मेथोलॉजीज को भी एनहेंस करना है सीड सेक्टर के अंदर। ओके, तो कॉन्टिनेंट के अंदर और भी कुछ रीजनल ब्लॉक्स हैं, लाइक कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, जिसको कहते हैं कोमेसा ग्रुप, ये लगभग 21 अफ्रीकन नेशंस इसके अंदर में यहाँ पर हैं। ओके, और इसने जो है वो आपका सीड हार्मोनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी यहाँ पर अपनाया, जिसको कहते हैं कॉमशिप 2014 के अंदर। ये सब सीड को बेसिकली प्रोवाइड कराने के लिए या फिर उनका एप्लीकेशन बढ़ाने के लिए काम किया गया है। इसके अलावा एक ग्रुप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास ग्रुप, 15 मेंबर्स हैं इसके, और ये जो है वो पूरा का पूरा वो वेस्ट अफ्रीका का ग्रुप है। ठीक है, इफ दिस इज़ अफ्रीका, तो ये जो है आपका वेस्ट अफ्रीका का ग्रुप यहाँ पर जो है वो बन जाता है, और इन्होंने इकोवास सीड रेगुलेशन 2008 में लागू किया था, तो ये लोग भी पुश कर रहे हैं इस चीज़ को। इसके अलावा सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है SADC, ये भी एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, 16 कंट्री जिसके अंदर में यहाँ पर है। इन्होंने हार्मोनाइज्ड सीड रेगुलेटरी सिस्टम यानी कि HSRS 2013 में यहाँ पर एडोप्ट किया। तो ये जो सारे रेगुलेशंस हैं ये सीड की वैरायटीज़ को रिलीज़ करने में उनको गवर्न करते हैं, सर्टिफिकेशन को गवर्न करते हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं सेफ्टी की, हाइजीन की, उसको भी मेंटेन रखने का कोशिश करते हैं, और लगभग पिछले 15 सालों से ये काम यहाँ पर चल रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं और इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, दोनों ही सीड सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो आपके सिटीजन्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि वो इतनी भारी मात्रा में सीड जो है वो कंपनी से नहीं खरीद सकते, जिसके लिए उनको अमाउंट भी चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि जब अफ्रीका के अंदर अलायंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका यहाँ पर चलाया गया 2006 में, उसका फॉर्मलाइजेशन किया गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि अफ्रीका के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से यहाँ पर लाया जाए। तो उन्होंने सीड मार्केट को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल सीड फर्म्स हैं उनकी भी हेल्प लेना शुरू कर दिया। मल्टीनेशनल जो सीड फर्म्स हैं उनका कुछ नहीं लेना देना यील्ड बढ़े या ना बढ़े, प्रॉफिट मोटिव उनका एकमात्र जो लक्ष्य यहाँ पर होता है, जिसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट किया, और यहाँ पर जो है अब ऐसे सीड लॉज लागू हो गए हैं जिसकी वजह से भारी नुकसान इंडिजीनियस जो फार्मर्स हैं उनको देखने के लिए मिल रहा है।
तो आप देख सकते हो कि नाइजीरिया है नेशनल एग्रीकल्चर सीड काउंसिल एक्ट आया 2019 में, घाना है प्लांट एंड फर्टिलाइजर एक्ट 2010 में आया, बुर्किना फासो यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ पर जो है वो बेसिकली सीड ला 2006 का है, इजिप्ट में 2012 में इस चीज़ को लेकर के एक्ट बना, सूडान में सीड लॉ बना, साउथ सूडान में ऐसा ही सीड लॉ 2009 में बना, इथोपिया में सीड लॉ 2013 में बना, केन्या में सीड एंड प्लांट वेराइटीज़ एक्ट 2012-16 में बना। ये सब याद नहीं करना, लेकिन समझो कि पूरे अफ्रीका में इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिल रही हैं। ये तो सिर्फ नॉर्थ का ग्राफ है, नीचे और भी दिया गया था, बट कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से समझ जाओगे अगर समझना होगा तो। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और ये तो जस्ट एक लाइन का आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल है। यहाँ पर बेसिकली लिखा है ए चार्ज्ड व्यू, तो हम फोकस कर रहे हैं फोटोवोल्टिक के ऊपर, सोलार एनर्जी यहाँ पर बढ़नी चाहिए। ओके, और जो आपके बेसिकली सोलार प्लेट्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होनी चाहिए, इससे पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर कम होगा। ओके, और फॉसिल फ्यूल जो है उसका भी खपत जो है वो कम होगी, साथ ही साथ जो लोग हैं वो डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे, हाउस होल्ड पर ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपको अवेलेबल होगी, ये सब काम यहाँ पर होंगे। ये तो फ़ायदे हो गए सोलार सिस्टम के, ठीक है हमें पता है ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन आप समझो कि जब फोटोवोल्टिक सेल्स हैं या आपकी ये जो सोलार प्लेट्स हैं पैनल्स हैं ये ख़राब हो जाएंगे तब हम उनका क्या करेंगे भाई, वो तो वेस्ट हो गया, ठीक है फोटोवोल्टिक वेस्ट हो गया, डिस्कार्डेड हो गए, डीकमीशनड फोटोवोल्टिक सेल हो गए, इनका क्या करोगे। तो इनको करने के लिए एक नया जो सुझाव है वो यहाँ पर दिया गया कि वेस्ट है इसको आप रिसाइकिल करोगे, तो वही हमें पता है रिसाइकिल की इफ़िशियंसी कितनी होती है, ठीक है ज़्यादा बढ़िया काम नहीं होता रिसाइकिलिंग के दौरान, तो हम इससे कुछ और कर सकते हैं, हम इसे घर बना सकते हैं। ये देखो, तो इन्होंने जो ये प्लेट थी ये प्लेट ख़राब हो गई, ठीक है ये प्लेट ख़राब हो गई और अब ये जो है वो सोलार जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती। ओके, तो हम इसमें वायरिंग वगैरह सिस्टम को हटा करके इस प्लेट को सिर्फ हाउस बिल्डिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप देखो कि चार दीवार बनाने में लगभग 12 से 16 प्लेट लगेंगी और आराम से अवेलेबल हो जाएंगी 12 से 16 प्लेट, क्योंकि ये डिस्कार्डेड प्लेट्स हैं और ख़राबी हर चीज़ में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये नज़र आएगा, आइडिया ये है कि इस फोटोवोल्टिक जो डिस्कार्डेड सेल हैं उससे आप जो है वो घर जो है वो कंस्ट्रक्ट करो, यानी कि बिल्डिंग पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रपोज यहाँ पर किया गया और ये सक्सेसफुल हो भी सकता है, तो सुझाव में लिख सकते हो बट सबसे नीचे लिखना उससे पहले रिसाइकिलिंग वगैरह के बारे में लिखना, क्योंकि इसमें मेटल भी काफ़ी यूज़ की जाती है, तो अगर वो मेटल रिसाइकिल हो पाई तो हमारी जो क्रिटिकल मेटल्स हैं उनकी शॉर्टेज भी पूरी हो सकती है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है, चाइना पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रीज़ पर भी ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो रिसाइकिलिंग का होना चाहिए, ओके, और ये चीज़ें भी आपको नज़र आनी चाहिए, रिसाइकिलिंग है, रिकवरी है, ठीक है मेटल वगैरह की, और इस पर फोकस होना चाहिए। ये सबसे लास्ट का सुझाव है कि आप इसे घर या झोपड़ी वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो इतना आर्टिकल आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ये वीडियो पूरी हो गई, इससे ज़्यादा आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना था, इस मैगज़ीन के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना था, ये सब पूरा यहाँ पर हो गया। ओके, तो हमने ये भी देखा कि डिस्कार्डेड पेटल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमने हिमालयन के सिस्टम के बारे में भी देखा, ओके किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। हिमालय के अंदर बेसिकली फॉसिल फ्यूल काफ़ी भारी मात्रा में है, शिवालिक रेंज नहीं है वहाँ पर नहीं है, लेकिन पीछे की जो रेंज है लाइक ग्रेटर हिमालयाज वगैरह हैं वहाँ पर भारी मात्रा में फॉसिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो फॉसिल की स्टडी की जाए, जिससे हमें पता लगे कि किस तरीके से एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ और ज़्यादा डिटेल में जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसके बारे में पता लगे, ये सब डिस्कस हमने कर लिया। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।